हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है किन लोगों के लिए, जो लोग फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं और परेशान हैं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, सेल नहीं आ रही, डॉक्टर के बार्गेनिंग से परेशान है कि कस्टमर मेरा ऐसा डिमांड करता है, सर उसको गिफ्ट दें, डील दें, डिस्काउंट दें, एवरीथिंग ना, कैसे कॉल करें क्या, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, 10 स्टेप, ऐसे पावरफुल स्टेप्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके अपने फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पे लेके जा सकते हैं अगर इन सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं सारे स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप, जब भी हम फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस का करने का प्लान करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो है कंपनी सिलेक्शन, किस कंपनी से हम मेडिसिन ले। ये बहुत क्वेरी मेरे पास में आती है, कई लोग अपने कंपनी का नाम, या सर मुझे रिकमेंड करिए। देखिए, मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ कि एक्चुअली कंपनी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में। ठीक है, फार्मा फ्रेंचाइजी के बिजनेस में, ओवरऑल बिजनेस की मैं बात करूँ, कोई भी फ्रेंड बिजनेस जो रन करता है वो हमेशा ना आपके स्ट्रेटजी, आपके प्लानिंग, आपके कंसिस्टेंसी और आपका वर्किंग कैसा है, ठीक है, आपका नॉलेज कैसे है प्रोडक्ट के बारे में, उसके हिसाब से ब्रांड बिजनेस सक्सेसफुल होता है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करता है ये फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस। तो फार्मा फ्रेंचाइजी के बिजनेस में पहला स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का आप सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप खुद जो है 5-7 कंपनी के साथ बात करिए, जो भी इंटरनेट पर आपको नाम दिखते हैं सर्च कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगते हैं, प्राइसिंग देखिए उनका, प्रोडक्ट का रेंज देखिए, जिस स्पेशलिटी में आप काम करना चाहते हैं उस स्पेशलिटी का देखिए प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो है कि नहीं, जो आपको चाहिए वो तो है ही है लेकिन इसके अलावा वहां पे और कौन से प्रोडक्ट हैं, ताकि बाद में आप अपने बिजनेस को आप स्केल करो, बड़ा करो, तो प्रोडक्ट की कमी ना आने पाए, किसी और दूसरी कंपनी में ना जाने की जरूरत पड़े। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी जिसका पैकिंग अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा, क्वालिटी कैसे कहते हैं, आप मंगा सकते हैं सैंपल कई बार फ्री में कंपनी नहीं देती है। ठीक है, कोई बात ना, अभी बिजनेस में शुरू कर रहा हूं, मुझे अच्छी कंपनी की तलाश है, आई स्पेंड 500 रुपीज टू नो द कंपनी। ठीक है, 1-2 हज़ार रुपये जाएंगे लेकिन एक बार अच्छी कंपनी मिल जाएगी आपको, लॉन्ग टर्म में वो काम आने वाली है। ठीक है, तो इस जो बिजनेस को लोग करना चाहते हैं इसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं, एक लोग तो आधा मन बना के आते हैं कि चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक लोग वो आते हैं, एक लोग पूरा सोच के आते हैं करना ही है इसको, इसमें सक्सेस होना ही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू चूज दिस बिजनेस। ठीक है, तो जो लोग करना ही है मान के आते हैं, उनको करना ही, वही लोग सक्सेसफुल आते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं चलो करके देखते हैं, ये बिजनेस अच्छा सस्ते में मिलती है मेडिसिन, महंगे में बेच देता हूँ इसको, स्किल तो अपने पास में है, फार्मा में काम कर रहा हूँ, MR हूँ, 2 साल से काम कर रहा हूँ, डॉक्टर से मेरा एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट तो बेच ही देंगे, नहीं बेच पाओगे प्रोडक्ट जब तक पूरा झील नहीं होगा ना आपके अंदर, डेडिकेशन नहीं होगा, आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाओगे फार्मा के अंदर। जिससे आप यहाँ पे अगर बात करोगे, गला काट कंपटीशन है, कंपनी के पास बैकअप होता है ब्रांड का। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा आपके पास। तो जो ये दो कैटेगरी के लोग हैं ना, इसमें सफल वही होगा जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, जो फुल डेडिकेशन के साथ में आएगा। ठीक है, तो ये जो मैं प्लान बता रहा हूँ ये फुल डेडिकेशन वालों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोग तो बस सुनेंगे बोले बेकार है चले जाएंगे। ठीक है, तो फुल डेडिकेटेड आप हैं बिजनेस को, सबसे पहले आप अच्छी कंपनी चूज करेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, कैसे चूज करेंगे और डिटेल में जानना है तो इसके लिए मुझे पुराने जो वीडियो है फार्मा फ्रेंचाइजी के वहाँ जाके आप देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं, तो उस वीडियो में जाके देख लीजिए कैसे फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी हम चूज करते हैं, एक्चुअली क्या चीज़ें, किन बातों का ध्यान दिया जाता है। पहला स्टेप है फार्मा फ्रेंचाइजी चूज करना। फार्मा फ्रेंचाइजी चूज करने के बाद फ्रेंड हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट चूज करते हैं। अभी हमने कंपनी चूज कर लिया, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइस कितना है उसका, MRP कितना है, क्या उसकी MRP कंपनी जो अदर ब्रांड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, टॉप ब्रांड, क्या उसकी MRP, मतलब आपके फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट की MRP क्या जो मार्केट में एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनसे ऊपर जा रही है, टॉप ब्रांड को भी क्रॉस कर रही है। अगर टॉप ब्रांड को क्रॉस कर रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है डॉक्टर कन्वर्जन के टाइम पे, क्योंकि कभी भी जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, इसका MRP बहुत ज़्यादा हाई रखती हैं। क्यों हाई रखती हैं, क्योंकि हम जैसे आप लोग जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर देखते हैं MRP इतना ज़्यादा, रेट इतना कम, बहुत प्रॉफिट है फार्मा फ्रेंचाइजी में, बहुत प्रॉफिट है, MRP इतना हाई और नेट रेट बहुत ही कम। तो लेकिन जब आप लेके आएंगे ना, जब देना लेना पड़ेगा ना,
तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डॉक्टर तो बोले अरे टॉप ब्रांड जो रिसर्च मॉलिक्यूल है उसका MRP 10 रुपये, आप 12 रुपये का, मैं आपका कैसे लिख दूँ, क्यों लिखूँ मैं आपका ब्रांड? देन नहीं, यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट कि रिसर्च मॉलिक्यूल जो पेटेंट मॉलिक्यूल है वो 10 रुपये का है, आप 12 रुपये का बेच रहे हो। अभी क्या शुरू, आपने ही शुरू कर दो, सर कुछ ले लो और हमको कुछ दे दो। और जहाँ आपने ये स्टार्ट किया फ्रेंड, वहीं से आपने अपने लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, राइट? तो कोशिश ये करिए, ऐसी कंपनी चूज करिए जहाँ की उसकी MRP एटलीस्ट जो टॉप ब्रांड है उसकी इक्वल हो या उससे डाउन साइड में हो, ताकि आप एज ए प्राइस एडवांटेज, जब आपके कंपनी का ब्रांडिंग नहीं है तो उसको आप जो है सेल कर पाओ, बात कर पाओ उसके लेबल पे, ठीक है? तो और कंपनी जब ब्रांड लेते हैं, वहाँ पे पहला स्टेप यही है, जब कंपनी से हम ब्रांड लेते हैं तो वहाँ पे इनपुट कौन सा मिलेगा, कैश कवर कौन सा मिलेगा, कितना मिलेगा, कितने परचेज में मिलेगा, बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, LBL मिलेगा कि नहीं, लीफलेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनपुट कौन कौन से इनपुट मुझे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। पता करने के बाद फाइनल करके हम लोग प्रोडक्ट मंगा लेते हैं, जो प्रोडक्ट चाहिए। स्टार्टिंग में ओनली 3 प्रोडक्ट, ठीक है, मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट, भंडार नहीं लगाना, ये भी ले लो, ये भी ले लो। होता क्या है फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर कि देखा मार्केट से डिमांड आ रही, अच्छा ये वाला 2 डॉक्टर सेट हो गया मेरा एक ब्रांड के ऊपर, अभी उसके पास दूसरा स्पेस है, इसको भी मंगा लेते हैं, चलो 2 ही डब्बा तो मंगाते हैं, इसी डॉक्टर के लिए मंगाना है 2 मंगा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ना 50 ब्रांड्स डॉक्टर के पास आपके पास हो जाते हैं, और उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करने में हमारा बहुत सारा पैसा फंस जाता है, ठीक है? तो वो नहीं करना है, 2 ब्रांड 3 ब्रांड 5 ब्रांड मैक्सिमम 5 ब्रांड। आप ये प्लान करके चलो कि फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस से मुझे अपनी कंपनी की तरफ जाना है। लॉन्ग टर्म सोच के चलो, शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लॉन्ग टर्म गोल सोच के चलो कि मुझे फार्मा फ्रेंचाइजी से देन नेक्स्ट अपनी कंपनी लॉन्च करनी है, आने वाले टाइम में मैं अपनी कंपनी का खुद मालिक होऊंगा, ओके? बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं बोला। अभी ये कैसे होगा मैं लास्ट स्टेप में बताऊंगा, ये सारे पॉइंट बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, डू द बजटिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग बजटिंग नहीं करते हैं, ठीक है? बजटिंग ना करने की वजह से जब हम ये गिव एंड टेक या डील डिस्काउंट का डॉक्टर के साथ करते हैं तो वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम लॉस झेल जाते हैं। बजटिंग क्या चीज़ होती है? बजटिंग मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप में समझाता हूँ। सपोज दैट एक 100 रुपीज़ MRP का प्रोडक्ट आपने 30 रुपीज़ में परचेज किया, जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी आपको रेट देती है वो रेट नेट रेट देती है, उसके अंदर GST इंक्लूड नहीं होता है, वो आपको सिर्फ नेट रेट देगी, MRP दिस 100 रुपीज़, और आपको नेट रेट में 30 रुपीज़ में दे दूंगा सर। आपने बोला अरे वाह बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर, MRP 100 रुपीज़, बट जब पार्ट करेंगे ना उसको, केमिस्ट का क्या रेट होगा, GST क्या रेट होगा, PTS क्या रेट होगा, तब आप देखें अरे बड़ा कम मार्जिन है, ठीक है? इसलिए कैलकुलेट करके पहले देख लीजिए, ठीक है? तो बजटिंग कैसे करेंगे, बजटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ रहा है, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है? बजटिंग 2 टाइप से होती है, लेकिन पहले हम उस बजटिंग को करने से पहले हम पहले डिवाइड करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हमें कितना पड़ रहा है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो प्राइस लिस्ट कंपनी ने आपको दिया, जिस रेट पे आपको बिल होके प्रोडक्ट आ रहा है, सपोज दैट 100 रुपीज़ MRP का प्रोडक्ट 30 रुपीज़ में आया, अभी 30 रुपीज़ पे आप ऐड करोगे अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है? फिर ऐड करोगे अपना जो है GST, देन आप ऐड करोगे अपना पर्सनल मार्जिन। भाई आप भी तो वर्क करोगे, आपको भी सैलरी चाहिए, आपकी भी पीछे फैमिली रन कर रही ना, आपको भी प्रॉफिट चाहिए 15% to 20%, आप कितना रखना चाहते हो, दिस इज़ योर चॉइस कि हम 15% मार्जिन पे काम करेंगे, 20% मार्जिन पे काम करेंगे, अपना प्राइस। प्रिंटिंग पे बिल निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, फ्रिज होगा, बाइक पे पेट्रोल जाएगा, एवरीथिंग इंक्लूडिंग 5% उसका भी कॉस्ट मान लेते हैं, वो भी 5% कॉस्ट हमने जोड़ दिया। अभी ये 4-5 चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, अपना अपनी कॉस्ट, अपना मार्जिन, GST और एक्सेट्रा जो कॉस्ट है उसको भी 4-5% हमने मान लिया था, वो ऐड कर दिया। अब इतना कुछ ऐड करने के बाद फिर हमने देखा प्रोडक्ट मुझे कितना कॉस्ट कर रहा है। मैं भी यहाँ बोर्ड पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 30 रुपीज़ का टैबलेट अब आपको 40 रुपीज़ में पड़ने लगा, इंक्लूडिंग GST, आपका मार्जिन, सब कुछ। अब 100 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज़ में पड़ रहा है, आपका भी मार्जिन, तो आपके माइंड के अंदर ये सेटअप हो जाना चाहिए और इस पर आप बिल्कुल रिजिड हो जाने चाहिए कि कुछ भी हो जाए 40 रुपये से कम प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये स्ट्रिप 40 रुपीज़ से बिलो नहीं जाएगी, कोई चाहे ले या कोई ना ले, ठीक है? वी एम नॉट सेल द ब्रांड इन द लॉसेज। एक्चुअली कभी भी प्रोडक्ट को लॉस में अगर आप सोचोगे कि हम चलो थोड़ी और दे देते हैं तो 35 में ही सेल कर लेते हैं, बाद में बढ़ जाएगा बिजनेस तो हम कवर कर लेंगे, आदत पड़ जाएगी और अपने बिजनेस को आप बंद करने की शुरुआत कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखो,
अब आपने 40 रुपीस का प्रोडक्ट सेट कर लिया, अभी 40 रुपीज़, अब MRP से दूसरे साइड में कैलकुलेशन शुरू करो। MRP आपकी है 100 रुपीज़ सपोज दैट, अब उसमें से कम 12% GST होगा या 18% उसमें GST लगी होगी, तो 100 रुपीज़ में सब 18% अगर मैं GST मान के चलता हूँ तो 18% GST हटा दीजिए कितना आता है, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग कैलकुलेटर से। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं कि वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं बता देता। तो 100 रुपीज़ से 18% GST माइनस कर दिया, देन 20% मार्जिन केमिस्ट का, 20% मार्जिन केमिस्ट का पहले आप 18 माइनस करिए 100 में से, देन अगेन जो भी आता है वैल्यू उसमें से 20% माइनस कर दीजिए केमिस्ट मार्जिन। जब ये 20% मार्जिन माइनस करेंगे आप, जो वैल्यू फ्रेंड आपको मिल रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द PTR वैल्यू, प्राइस टू रिटेलर वैल्यू, इसको हम प्राइस टू रिटेलर बोलते हैं, PTR बोलते हैं, राइट। इस वैल्यू को नोट कर लीजिए, ये PTR है। अब इस PTR में से 10% आप और माइनस कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड द PTS, प्राइस टू स्टॉकिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो PTS आपका निकल जाएगा। अभी आपको MRP पता चल गया, क्योंकि जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनीज होती हैं वो PTR PTS ये सब नहीं लिख के देती, ये आपको डिसाइड करना होता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तब हमने MRP आपको पता चल गया, PTS प्राइस टू स्टॉकिस्ट पता चल गया, PTR मालूम हो गया, ये तीनों चीज़ें नोट करके रख दो। हमेशा जो मेडिसिंस होती है ना, हम स्टॉकिस्ट की जवाब दोगे तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया पहले, जब आप मेडिसिन परचेज करोगे ना, दो ऑप्शन होते हैं, या फिर खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करो एज ए स्टॉकिस्ट काम करो, या फिर बेटर ये होता कि हम किसी और को स्टॉकिस्ट बना दें। किसी और को स्टॉकिस्ट बनाना लाख गुना ज़्यादा अच्छा होता, मैं यही बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा, किसी और को स्टॉकिस्ट बनाओ। इससे क्या बेनिफिट होगा अभी आगे पता चलेगा आपको वीडियो में, किसी और को स्टॉकिस्ट बनाने से या अच्छे जो मार्केट के अंदर जिनका रेपुटेशन है उनको स्टॉकिस्ट बनाने से क्या फायदा होता है। उनको 10% दीजिए, अपने कंधे पर से सप्लाई का बोझ हटाइए, ठीक है, रखिए अपने पास से भी सप्लाई करिए 10% 20% 80% दूसरे से सप्लाई करिए, क्यों आगे बताऊंगा, ठीक है। तो PTR PTS आपको सप्लाई होगा। अभी आपको मालूम हो गया, आपने देख लिया कि चलो PTS मैं मान के चल रहा हूँ 60 रुपीज़ आ रहा है, सपोज दैट 60 रुपीज़ PTS आ रहा है और 70 रुपीज़ आपका PTR आ रहा है, ठीक है, केमिस्ट रेट। इसका सबका लिख के बना ले, 3, 4, 5, 10 प्रोडक्ट जितने भी है आपको सबका ये नोट कर लीजिए और आपके माइंड के अंदर ये सेट होना चाहिए। अब आता है डील डिस्काउंट का गेम। तो PTS से आप देखिए, आपको आप 40 रुपीज़ तक बेच सकते हैं प्रोडक्ट को, राइट। मैंने आपको बताया था आपका मार्जिन सब कुछ इंक्लूड किया 40 रुपीज़ तक आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, लेकिन बेचना कितने पे है, 60 रुपीज़ पे। तो 40 से लेके 60 के बीच में आपको 20 रुपीज़ का विंडो मिल जाता है, राइट, 20 रुपीज़ का विंडो मिल जाता है। अब ये 20 रुपीज़ आप चाहो तो डॉक्टर को दे दो, केमिस्ट दे दो, जहाँ भी आपको जैसे सेटिंग लगती है वहाँ दो। किसी को 5 में ही सेट हो जाएगा, कहीं 10 में सेट हो जाएगा, कहीं 15 में, कहीं 20 में, 20 से ऊपर तो देना ही नहीं किसी को। ये सेट कर लो, ये रूल्स बना लो, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब ये जो 20% है इसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये मैं आपको सिस्टम बताता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। 20 रुपीज़ में तो एटलीस्ट अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर काम करना है तो 20 रुपीज़ में से कम 2 रुपये उसमें से निकाल दिए, 2 रुपीज़ उसमें सेपरेट आउट कर दीजिए। इस 20 रुपीज़ के मार्जिन में से मैं 2 रुपीज़ जो है ये अपनी ब्रांडिंग के ऊपर स्पेंड करूँगा, ब्रांडिंग के ऊपर। ब्रांडिंग कैसे, मैं साइंटिफिक कुछ गेट टुगेदर करा दूंगा, साइंटिफिक कुछ एक्टिविटी डॉक्टर चैम्बर में कर दूंगा, कुछ मैं अपने कैंप फ्री कैंपेन करूँगा, फ्री में सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, फ्री में एनवायरनमेंट डे पे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा, चिल्ड्रन डे पे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर, ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे आपकी ब्रांडिंग होगी, मतलब आपके डॉक्टर या पेशेंट आपके कंपनी को जानेगा। ये अभी आपको इसका बेनिफिट समझ में नहीं आएगा, ब्रांडिंग का बेनिफिट हमें आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर्स के बाद मिलता है, ठीक है। तो 2 रुपये आपने ब्रांडिंग के ऊपर स्पेंड कर दिया। जो बजट है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, 2 टाइप के बजटिंग करनी पड़ती, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अभी बजट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट 10-20 रुपीज़ में 10 रुपीज़ में डाल रहा हूं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, 10 के साथ 2 फ्री दे रहे हैं, 4 फ्री दे रहे हैं, 5 फ्री दे रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, केमिस्ट ने ऑर्डर दिया, आपने 10+5 सप्लाई किया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि यार मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे लिए टैक्सी करवा दो, ठीक है, आपने टैक्सी करवा दी। डॉक्टर बोला मुझे ट्रेन का टिकट चाहिए, ट्रेन का टिकट करा दिया। कैश कार्ड की रिक्वायरमेंट है, कैश कार्ड डायरेक्ट आपने दे दिया, जितना कॉस्ट आ रहा था उस सर्विस के लिए आपने टोटल वो कॉस्ट दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई आपको उसमें बेनिफिट नहीं हुआ। तो हमेशा अपने बजट को जो इन्वेस्टमेंट जाना तो ये कस्टमर के पास में ही है, केमिस्ट पास जाएगा या फिर डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन इसको जाने के 2 तरीके हैं, आपको 2 तरीके से ये डालना है। जाना उन्हीं के पास है, देना उन्हीं को है, बट 2 तरीके से। मैंने बोला ना आप 50% कर लो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले तो अप एंड डाउन आप कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है।
तो 10 रुपीज़ आपने दे दिया डॉक्टर के ऊपर डील डिस्काउंट में 10+2, 3+10+3। अभी क्या बोला आपने, अब बोलो कि 10%, लेकिन अब डील ज़्यादा मांग रहा है आपसे डॉक्टर या केमिस्ट, आपसे डील ज़्यादा मांग, मुझे 10+5 चाहिए। बट ये मेरे बजटिंग के हिसाब से मैंने देखा कि 10+3 से ज़्यादा मैं डील नहीं दे पाऊँगा, देन वहाँ पर मामला फंसेगा। तो वहाँ पर क्या करना है कि मैं आपको 10+3 दूंगा प्लस, अगर लेकिन आप 5 बॉक्स परचेज कर लोगे ना, ये मैं दूसरा इनपुट, ये ट्रॉली बैग आपको मैं और मिल जाऊँगा। इससे अगर कंपनी डील तो नहीं देती है, बट इतने के ऊपर अगर आप ले लेते हो 10 बॉक्सेस, तो आपको ये ट्रॉली बैग और मिल जाएगा। इस तरह से आपको कैंपेन डिजाइन करना है। जो ट्रॉली बैग है ना, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी वो ट्रॉली बैग हो सकता है, किचन की कोई चीज़ हो सकती है, वॉचेज हो सकते हैं, कैमरा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। वो जो 10% रेस्ट रह गया है ना, उसमें से 5% आपको इस तरह से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है। सैंपल आप दे देना है, आपको ये इस टाइप के गिफ्ट वाउचर, POB। अभी क्या था कि आपने जब 10+2, 10+3 आप दे रहे थे, तो जो आपका कस्टमर था वो कैसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, ठीक है 2 बॉक्स दे दो। अभी आपने वो 10+3 के साथ जो 50% तो चाहिए था डील, 10+5 चाहिए था, लेकिन आपने 10+3 दिया प्लस एक कंडीशन डाल दिया कि आप 10 बॉक्स खरीदोगे तो ट्रॉली बैग मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपको 10+3 से ही काम चलाना पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये होगा फ्रेंड कि पहली बात आपका कस्टमर जो होगा वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा। अभी वो बाउंड हो गया कि उसको चाहिए तो 10%, उसको 50% पूरा चाहिए वैल्यू का फ्री गुड्स, तो उसको वो 10 बॉक्स परचेज करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ओनली आपसे वो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स ही परचेज कर पूछेगा, बहुत बड़ी बड़ी आपसे, ठीक है कितना कितना, जो एक एक नेट 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 रेट तक निकाल लेगा आपसे, केमिस्ट हो या डॉक्टर हो। जब ऑर्डर करने की बार ऐसा करो, ऐसा 2 डब्बे भिजवा दो फिर देखते हैं, राइट? तो बजटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बजटिंग में आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ा सा बजट निकाल के हम ब्रांडिंग के ऊपर स्पेंड कर देंगे, थोड़ा सा बजट निकाल के सैंपल के ऊपर खर्च कर देंगे, थोड़ा सा बजट निकाल के हम पेन पेंसिल के लिए ले रख लेंगे, डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं जो अटेंडेंट होता है उसको पेन चाहिए, केमिस्ट को पेन चाहिए, पेन के ऊपर स्पेंड कर देंगे उस कुछ 5% के समथिंग अराउंड या 5 रुपीज़ के समथिंग बड़े इनपुट पे, जो डील देने के बाद इनपुट भी देंगे, अभी डील भी देंगे इनपुट भी देंगे, राइट? आपने सुना होगा कस्टमर, तो दिस इज कॉल्ड द बजटिंग। आपको इस तरह से अपना बजट बनाना पड़ेगा कि 40 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के जो मुझे इस बच रहा है पैसा, उसको मैं कैसे स्पेंड करूंगा, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने सारे पॉइंट नोट कर रखे हैं ताकि मिस ना होने पाए, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया अपॉइंटमेंट स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट करेंगे। अभी अब बहुत सारे लोगों को मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मैं स्टॉकिस्ट को अपॉइंटमेंट करते हैं सपोज दैट, तो प्रॉब्लम ये आ रही कि पैसा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पावर सारा स्टॉकिस्ट पास जा रहा है। जी हाँ सर, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप DL और GST नहीं लेना चाहते, स्टार्टिंग में आपका बजट कम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सारा पावर स्टॉकिस्ट पर जाएगा, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पावर चला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कौन सा बहुत बड़ा सा बिजनेस करने जा रहे हो, करोड़ों रुपए का, 1 लाख रुपए तक का बिजनेस कर रहे हो, तो स्टॉकिस्ट के ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकते हो? ही इज आल्सो नीड बिजनेस ना, वो बिजनेस कर रहा है, आपको परेशान नहीं करेगा, बट आपके उसके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है? जो भी आप बात करो उसमें मैं एक आइडिया दे देता हूं किस तरह से आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है? कुछ लोग को बोला था पेमेंट कैसे लो, तो स्टॉकिस्ट से पेमेंट का सिस्टम ये, उससे बात कर लो कि मैं जब कंपनी से गुड्स आएगा तो आप ही के पास में आएगा, ठीक है? बिल आप एंट्री करोगे, पेमेंट मैं कंपनी को कर दूंगा, बट या फिर पेमेंट स्टॉकिस्ट से करा दीजिए, जो पेमेंट आपका जितना भी मार्जिन आता है सपोज दैट उसके रेट के हिसाब, जब वो बिल की एंट्री करेगा, जो भी सेल आती है पर्टिकुलर, जो भी मंथ का सेल आती है, वो सर कंप्यूटर स्टेटमेंट ले लो, उसमें से उसके उससे पैसे लो। अभी पैसे के लोगे या फिर आप कैश में पैसे ले सकते हो, या फिर उसके करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट के चेक के थ्रू पैसा आप ले सकते हो। पैसा ले लो और जिस कंपनी को गुड्स आप मंगाते हो, उस जितना जितने का गुड्स मंगाना है वो स्टॉकिस्ट के अकाउंट, क्योंकि उसको अकाउंट भी मेंटेन करना होगा GST की वजह से, तो उसके अकाउंट से उतना पैसा वहां ट्रांसफर करा दो, बाकी का जो अमाउंट है वो ले लो। तो उससे पहले ही बात करो, मंथली हिसाब करेंगे आपसे, ठीक है? मंथली हिसाब करेंगे, मंथली अगर मुझे कोई मेडिसिन मंगाना होगा तो आप वहां पेमेंट कर देना, रेस्ट पेमेंट मुझे दे देना, या फिर आप 45 डेज पे जा सकते हैं कि चलो 45 डेज पे 30 दिन आपके, आप मे पे पेमेंट कलेक्ट करो मार्केट से, ठीक है? कहीं फंसेगा मैं भी हेल्प करूंगा,
आप मुझे 15 दिन अपने पास पेमेंट रखो, 45 डेज पे जो भी सेल हुआ रहेगा टोटल सेल का आपका मुझे पेमेंट करना होगा। तो हर एक 45 डेज पे आप नोट कर लो, एक कैलेंडर के ऊपर टिक कर लो, इस डेट में मैं आपसे हिसाब करूंगा अब मुझे पैसा चाहिए होगा, ठीक है। ये क्लियर कट हम बात कर लेते हैं स्टॉकिस्ट से। तो इस तरीके से आप जो है स्टॉकिस्ट का, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो खुद स्टॉकिस्ट का लाइसेंस ले लीजिए, डीएल ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, खुद काम करिए, और जो स्टॉकिस्ट बना हुआ है तो उसको बने रहने दीजिए। अभी डायरेक्ट कंपनी से माल आ रहा था, अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, आपके थ्रू दिए। स्टार्टिंग में आपका बजट कम है मत लीजिए डीएल और जीएसटी, ठीक है। इससे क्या होगा, डीएल एंड जीएसटी ना लेने से आपका समथिंग अराउंड 1 लाख रुपीज सेफ हो जाएगा, क्योंकि डीएल और जीएसटी लेने में लगभग 1 लाख रुपीज चला जाता है ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर पे, ठीक है। तो ये हो गई अपॉइंटमेंट ऑफ स्टॉकिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर डॉक्टर लिस्ट। डॉक्टर लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रेंड, स्टार्टिंग में आप क्या करिए कि बहुत डॉक्टर लिस्ट मत रखिए, ठीक है। 200-250 डॉक्टर सभी एरिया में हम घूम जाते हैं, सबको कवर करना, नो। स्पेसिफिक एंड फोकस्ड वर्किंग करिए, ठीक है। अपनी डॉक्टर लिस्ट 120 या 125 ज़्यादा मत बनाइए, कॉल एवरेज 10 के समथिंग अराउंड रखिए। डॉक्टर को फिर कैटेगराइज करिए, कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, कोर डॉक्टर, नॉन कोर डॉक्टर, या फिर सुपर कोर, कोर, नॉन कोर, तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। अब ये तीन कैटेगरी में कौन से, सुपर कोर में ओनली 10 डॉक्टर्स होंगे, ये 10 डॉक्टर्स कौन से होंगे, जो सिटी के बड़े डॉक्टर्स होंगे, केओएस, ऐसे डॉक्टर जो टाइम लेंगे चेंज होने में, लेकिन एक बार चेंज हो गए ना सेल को बूम कर देंगे, राइट। इनको लगातार इनके ऊपर काम करना है, रेगुलर काम करना है, राइट, और इनसे सेल जनरेट करना है। दूसरा होगा कोर डॉक्टर, पहले सुपर कोर एंड फिर कोर डॉक्टर, इनसे हमें रेगुलर विजिट करना है, सब कुछ करना है। कोर एंड सुपर कोर में क्या डिफरेंस होगा, जो सुपर कोर डॉक्टर होगा उसको रेगुलर इनपुट भी हम देते रहेंगे, बट कोर वाले को मंथ में एक बार इनपुट देंगे, या फिर जैसे आपका बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, कोई छोटा स्मॉल इनपुट देंगे या हम सैंपल देंगे, अकॉर्डिंग टू यू चूज कर सकते हो। और जो नॉन कोर डॉक्टर होगा उसको मंथ में एक या दो बार हम विजिट तो करेंगे, बट कोई इनपुट नहीं देंगे या पेन पेंसिल देंगे, बड़ा कोई इनपुट नहीं देंगे, ठीक है। तो कोशिश में रहेंगे सुपर कोर डॉक्टर कितनी जल्दी हम कन्वर्जन कर लेते हैं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, उसके लिए कैजुअल टॉक करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रिलेशन बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो ये सारे टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हो जिसके थ्रू बिजनेस डेवलप किया। अभी ये कौन कौन से टैक्टिक्स हो सकते हैं, किसी भी डॉक्टर को कन्विंस कैसे करते हैं, इसलिए मेरा सेपरेट वीडियो, उसको भी जाकर देख सकते हैं। बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो डॉक्टर को आप कन्विंस कर पाएंगे, ओके। इसके बाद डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल एंड निगोसिएशन, कैसे करेंगे आप निगोसिएट केमिस्ट डॉक्टर कॉल को, ठीक है। अभी डॉक्टर कॉल जाने, डॉक्टर कॉल करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो रेगुलर कॉल होता है, जब सब लोग कॉल कर रहे हैं तो तब हम कॉल करते हैं, ठीक है, उस समय आप कॉल कर सकते हैं, बट उस समय बात नहीं हो पाती है। तो बात करने के लिए फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे टाइम पर जाना पड़ेगा जब डॉक्टर फ्री होता है, खाली होता है, तो छोटे डॉक्टर से कभी भी बात कर पाओगे, बड़ा डॉक्टर टाइम नहीं देगा। बड़ा डॉक्टर कैसे टाइम देता, कहाँ से टाइम मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप देखो, शाम की ओपीडी फ्री किया, रात में 10 बजे के आसपास 11 बजे के पास आप जाओ। अभी डॉक्टर क्या है, ओपीडी फ्री करने के बाद अपना हाथ धुल रहा है, कुछ अपने टेबल पर चीज सेटअप कर रहा है, उसको डिनर के लिए जाना है घर, इतने टाइम के अंदर आप उससे बात कर सकते हो, तब वो फ्री होता, कोई ज़्यादा एमआर नहीं होता। पहला, दूसरा, डॉक्टर चैम्बर का ही डॉक्टर रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नहीं इस टाइम मिलने मत आओ, तो डॉक्टर चैम्बर से बाहर निकलता है। देन उसके साथ जब वो जा रहा है पैदल पैदल, आप भी रेडी रहो अपने प्रोडक्ट के साथ, साथ में पैदल पैदल जाए, उसको डिटेलिंग सुनाते चले गए। डिटेलिंग वाला प्रोडक्ट पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते चले गए। एक दिन नहीं सुनेगा, दो दिन नहीं सुनेगा, तीन दिन नहीं सुनेगा, 10 दिन नहीं सुनेगा, एक महीने आपका सुनेगा नहीं डॉक्टर, 2 महीने नहीं सुनेगा, तीसरे महीने सुनेगा। अब ये पूरी एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ 101% तीसरे महीने डॉक्टर सुनेगा। लेकिन आपके अंदर, मैंने बोला सुपर कोर डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए आपके अंदर कंसिस्टेंसी, रेगुलर रिमाइंडर कॉल, रेगुलर इनपुट और सारी एक्टिविटी उसके ऊपर होनी चाहिए। इट्स टेक टाइम, वो टाइम लेगा, डॉक्टर टाइम लेगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है। इसके बाद अब ये सब एक्टिविटीज़ आप करोगे तो साथ ही साथ क्या होगा, डॉक्टर के साथ आपके रिलेशन डेवलप होंगे, रिलेशन बिल्डअप होंगे। जब रिलेशन बिल्डअप हो जाता है देन हम सेल कर लेते हैं। रिलेशन बिल्डअप कैसे करेंगे, रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट के लिए, कभी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट। अब ये देखना है आपको कौन सी स्पेशलिटी में आप काम करते हो, तो जनरल प्रोडक्ट लेके मत काम करिएगा, 2-3 जनरल प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप किसी स्पेशलिटी में इंटर करने की कोशिश करिएगा, चाहे गायनी हो, पीडिया हो, चाहे किसी न किसी स्पेशलिटी में बाकायदे आप जाइएगा, ठीक है।
तो उसके हिसाब से आप रिलेशन को बिल्ड करिए फ्रेंड अपने। अब बिल्ड करने के लिए बर्थडे विशेष हो गया, इन्वायरमेंट डे हो गया, पीडिया डे हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डेज और शादी बर्थडे ये सब विशेष करने के मौके मिलते हैं। इन सब चीज़ों को विश करिए डॉक्टर को, उसके बच्चे का बर्थडे, वाइफ का बर्थडे, उसका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, दुनिया भर की जो सारी चीज़ें होती हैं इसके थ्रू आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम पर कॉल करने के लिए बोला उसके थ्रू आप रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं। रिलेशन बिल्ड करके बिजनेस को बहुत बड़ा किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से रिलेशन बिल्ड अप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिमाइंडर कार्ड। रिमाइंडर कार्ड कैसे डिजाइन करते हैं इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको जाके देख लीजिएगा। बट बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से फ्रेंड हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे में अट्रैक्टिव रिमाइंडर बना सकते हैं। रिमाइंडर कार्ड हम फ्लावर के साथ देख सकते हैं, हम रिमाइंडर कार्ड पेन के साथ दे सकते हैं, रिमाइंडर कार्ड के ऊपर कोई हम छोटा सा कोटेशन लिख के या पीछे कुछ बना के दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर कुछ आर्ट ड्रा करके दिन हम रिमाइंडर कार्ड लगा सकते हैं। जिससे क्या होता है कि डॉक्टर वो आपका रिमाइंडर, ढेर सारे रिमाइंडर कार्ड पड़े होंगे ना, बट आपका रिमाइंडर कार्ड बिल्कुल अलग से ही दिखेगा। अटेंशन ग्रैब करने वाला रिमाइंडर कार्ड बनाना चाहिए आपको, जिससे आप अटेंशन डॉक्टर का ग्रैब कर सको। एज वेल डॉक्टर की हॉबीज थोड़ी आपको पता नहीं चाहिए। कई डॉक्टर होते हैं जैसे ग्रीन पेन से उनको पसंद होता है, ग्रीन पेन दे दिया हमने। कई डॉक्टर को ब्लू पेन बट जेल वाले पसंद होते हैं, जेल पेन दे दिया। किसी को एक पायलट पेन आता है, आपने अगर सुना हो देखो स्टूडेंट लाइफ में यूज किया, पायलट पेन से लिखना पसंद आता है। आप देखो कौन सा डॉक्टर लिखता है किस कलर से, देन आपको आइडिया मिल जाए, उसको आपने गिफ्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेक प्रोडक्ट इनटू ब्रांड। प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है। मैंने शुरू में अभी बोला था ढेर सारे प्रोडक्ट लेके नहीं काम करना है, हमेशा कोशिश करिए एक या दो प्रोडक्ट आपका ऐसा हो कि आप वर्क ना करो तो भी वो बिके। समझ रहे हो आप, वर्क ना करो तो भी वो ब्रांड बिकता रहे। मींस आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना होता है। ब्रांड जब नहीं हम काम कर रहे होते तो भी बिकता रहता है, इसीलिए उसको हम ब्रांड बोलते हैं। तो ढेर सारे बोलेंगे उस डॉक्टर के पास दो ब्रांड की डिमांड आ रही है, उसको मंगा लिया, उसको भी मंगा लिया, उसको थोड़ा थोड़ा आप देखोगे डिमांड बढ़ती जाएगा, सबको मंगाते जाओगे ना, कभी भी आप ब्रांड नहीं बना पाओगे फ्रेंड। ठीक है, तो ब्रांड बनाने के लिए हमें एक ही दो ब्रांड के ऊपर स्टिक होना पड़ता है, एक ही दो ब्रांड के ऊपर, उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उसी के ऊपर एक्टिविटी। दो ब्रांड अगर आपने पकड़ लिया तो उसी के ऊपर एक्टिविटी, उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, उसी के ऊपर कैंपेन, उसी वो ब्रांड मुझे सारे डॉक्टर जितने भी आपके लिस्ट के अंदर हैं सभी से वो ब्रांड चाहिए, ताकि सबसे प्रिस्क्रिप्शन आ सके। ठीक है, आप एक महीने आपको कोई इलनेस हो जाती है, आप काम करने नहीं जाते हैं, उसके बावजूद वो ब्रांड बिकना चाहिए, उसके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क हार्ड करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फाइट है ना वो कंपनी से फाइट है। ठीक है, जो ब्रांडेड कंपनीज उनसे फाइट है। अब ब्रांडेड कंपनीज में किसी को ब्रांड बनाने के लिए कितना पावर होता है आप समझते हो, क्या पावर होता है? एमआर काम करता है, एक ब्रांड प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए एमआर काम करता है। उसके बाद फाइनेंशियल बैकअप होता है कंपनी का, देन उसका मैनेजर आता है उसी ब्रांड के लिए, उसके बाद ZBM आता है, उसके बाद NSM आता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट मैनेजर आता है। ये सब लोग उसी ब्रांड को कन्विंस करने के लिए डॉक्टर के पास आती है। और इधर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में अकेले हो, शायद आपको उतना डीप प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं होगा, जहां उनमें फिर पूरी टीम आ रही है और आपकी फाइटिंग किसके साथ है, इस पूरी टीम के साथ है। आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए अकेले वर्क कर रहे हो, जहां MR मैनेजर, ZSM, NSM, GM, PMT पूरा काम कर रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए, वहां आप अकेले काम कर रहे हो एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए। तो इमेजिन दैट कि आपको कितना ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा उनको बीट करने के लिए। लोग यहीं से भाग जाते हैं, पीछे नहीं मेहनत करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और हार नहीं मानना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किससे बीट कर रहा हूँ। आप रेगुलर ब्रांड से बीट कर रहे हो, राइट? तो रेगुलर ब्रांड से बीट करने के लिए आपको उतना एफर्ट, ये टीम जो पूरा वर्क कर रही ना, आपको अकेले उस टीम के ऊपर भारी पड़ना पड़ेगा, देन आप ब्रांड कर पाओगे। हम बहुत जल्दी बोल देते हैं गिव एंड टेक और ये सब में प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। रीज़न यही है कि वो टीम उधर रहती है और इधर हम अकेले होते हैं, हम बोलते हैं कि हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही लेके। तो टीम को अगर हटाना है, टीम से फाइट करना है, टीम से जीतना है, तो टीम से एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, राइट? तो ये सारे थे 10 स्टेप्स जो आपको मैंने बताए। अब आपने ब्रांड किसी भी केवल डॉक्टर को कन्वर्ट कर लिया, किसी कुछ डॉक्टर जनरल को, मैं एक दो केवल ले लिया, केवल मतलब की ओपिनियन लीडर जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर लिया, कुछ कोर डॉक्टर कन्वर्ट कर लिया, कुछ नॉन कोर डॉक्टर को कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो है ब्रांड सारे मिला के आपको ब्रांड बना देंगे, सॉरी ठीक है, प्रोडक्ट जो है ब्रांड बना देंगे। अगर आप एक या दो ब्रांड भी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक, एक या दो ब्रांड ही बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो बाद में जो ब्रांड में आपको कामयाबी मिली
है, जिस प्रोडक्ट को आपने ब्रांड बनाया है, लेटर ऑन स्टेज में वही प्रोडक्ट एज ए कंपनी रजिस्टर करके अपनी कंपनी में ले आ सकते हैं। और उस ब्रांड को, क्योंकि आपको मालूम है वो क्यों और कैसे लिखा जा रहा है, आपने ब्रांड बनाया है, उस ब्रांड को उसी अपने पर्टिकुलर ब्रांड के साथ रिप्लेस कर देंगे और आपको एक सक्सेसफुल जल्दी से ब्रांड मिल जाएगा बड़ा। क्योंकि कंपनी लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ब्रांड होना चाहिए वो ब्रांड जो कंपनी का खर्चा पूरा निकाल दे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, एक ही ब्रांड पूरा खर्चा निकाल देता है पूरे डिवीजन का। सेम आपके पास वो ब्रांड होगा जो आपको पूरा खर्चा निकालता रहेगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ्रेंचाइजी कंपनी से अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं फ्रेंड। ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए इनको फॉलो करके एक सक्सेसफुल कंपनी, फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनी आप लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे को प्रोडक्ट जितने भी आपको चीज़ें मैंने बताई, डॉक्टर ब्रांड मैट्रिक्स का कौन से डॉक्टर को कौन सा प्रोडक्ट बताना, ये सब हम मैपिंग करते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी डिटेल अगर करने लगूंगा मैं, बताने लगूंगा सर, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि इस वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी हाफ एन आवर का वीडियो हो चुका है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज चाहती हैं, डिटेल चाहते हैं इन सब प्रोडक्ट के बारे में, तो अभी मैं MR के लिए कोर्स रन कर रहा हूँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग करके, जिसमें आप इनरोल करके, ओनली उसमें 3 सीट खाली ही है, बाकी तो फिलअप हो चुके, 3 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें आप इनरोल करके इन जो सारी चीज़ें मैंने बताया ना, इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। वहाँ 3-3, 4-4 घंटे का, 5-5 घंटे का क्लास होता है, लास्ट भी मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ था 4 आवर। जब तक सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, मार्केट की एक्चुअल प्रॉब्लम कि डॉक्टर है और उसका रिलेशन वाले ने मेडिकल स्टोर खोल दिया, अभी वहाँ बिजनेस नहीं आ रहा है, केमिस्ट एग्री नहीं हो रहा, डॉक्टर बोल रहा है लिख रहा है केमिस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराने को एग्री नहीं, इस टाइप की बहुत सारी मार्केट में डे टू डे लाइफ में फील्ड प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। हाउ वी कैन मैनेज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने 1-2 एग्जांपल दिए, उसके भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर इन डेप्थ नॉलेज आप चाहते हो, ठीक है, इन डेप्थ सीखना चाहते हो हाउ टू स्केल योर बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए, तो आपको ये जो ट्रेनिंग क्लास है इसको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमम फीस के साथ मैंने लॉन्च किया, और सबसे अच्छी बात तो कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होता, पूरा लाइव क्लास होता है, आप मुझसे बात कर पाते हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को रख पाते हैं, अपनी क्वेरीज को रख पाते हैं, लाइव मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इन डेप्थ डॉक्टर लिस्ट, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया, ये इन डेप्थ मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हर एक चीज़ के लिए पूरा सेशन होता है, ये जितना मैंने आपको एक वीडियो को अंदर बताया, शायद इसके अंदर 1-2 दिन 2-3 पूरा सेशन हो जाता है करने में, तो काफ़ी लंबी होती है, 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं ये, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हम कवर करते हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। 999 उसका फी है, जो कि बहुत ही मिनिमम साइड है अगर आप देखोगे तो, अपने बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हो, ग्रो करके आप 999 ने पता नहीं कितने 9 डेवलप कर सकते हो उसके अंदर, राइट। तो अगर आप लर्न करना चाहते हो, ये मेरा बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है यहाँ पे, 999 पे करके किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू पे करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, राइट। तो आपको ये नॉलेज कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपको यहाँ से नॉलेज मिला हो, कुछ भी क्लू मिला हो जिससे अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हैं, तो 101% लाइक करिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।